बॉलीवुड का सबसे खूबसूरत परिवार है दियोल परिवार। इस परिवार का हर एक सदस्य चर्चों का कारण बना हुआ है। इस परिवार का हर एक सदस्य खूबसूरतियां भी बटोरता है। ये परिवार अपने बचे हुए दो रिश्तों को लेकर भी कई बार चर्चा का विषय बना रहा। अगर हम यहाँ पर आपको एक ऐसे सच से रूबरू करवाएंगे, एक ऐसे छोटे पर्दे से हटाएंगे जो यकीनन आप सालों से सोच रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाई दियोल परिवार के दो अहम सदस्य सनी दियोल और हेमा मालिनी जिनसे बात तक नहीं करते, अक्सर आपने ये बात सुनी होगी। भाई हेमा मालिनी सनी दियोल से बोलना तक नहीं चाहती है, ये भी कई बार आपने सुना होगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि हेमा मालिनी का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाँ, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कहलाई जाती है हेमा मालिनी, जहाँ पर ड्रीम गर्ल ने बेटे सनी के साथ अपने रिश्ते की सारी सच्चाई को खोल दिया। दरअसल आपको बता दें कि कुछ समय पहले हेमा मालिनी की किताब बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल को लॉन्च किया गया था। अब भाई जहाँ किताब हो अपने जीवन पर, तो यहाँ पर जीवन में उन करना बनता ही है। अब यहाँ पर पति धर्मेंद्र भी रहे और बेटे सनी भी। जी हाँ, आपको बता दें कि लोग सोचते हैं इस किताब में लिखा हुआ है कि हमारे बीच कैसा रिश्ता है। वहाँ पर उन्होंने कहा कि जब भी जरूरत होती है सनी हमेशा साथ होते हैं। जब वो हादसा हुआ, यानी कि जब हेमा मालिनी के साथ 2015 में एक कार एक्सीडेंट हो गया था, तब सनी सबसे पहले मुझे देखने पहुंचे थे। वो सब चीजों का ख्याल रखते हैं, जिस तरह से वो ध्यान रखते हैं उससे साफ है कि हमारा रिश्ता कैसा है। बता दें कि भाई हेमा मालिनी यहाँ पर साफ तौर पर कह चुकी है कि सनी के साथ उनका रिश्ता खूबसूरत है। सनी देओल के साथ उनका रिश्ता एक फिक्र का रिश्ता है। भले ही मीडिया के सामने ये दोनों एक दूसरे से बात करने से बचते हो, मगर भाई हेमा मालिनी और सनी का ये जो झूठी दरार भरा रिश्ता अक्सर दिखाया जाता है, ये महज एक झूठ है। जी हाँ, हम यहाँ पर आपको साफ तौर पर बता रहे हैं कि भाई जिस तरीके से हेमा मालिनी ने यहाँ पर फाइट खो दिया है, और हेमा मालिनी यहाँ पर साफ शब्दों में कह रही है कि सनी के साथ उनका ये रिश्ता बेहद ही खूबसूरत है, तो यहाँ पर ये तो साफ हो ही गया कि हेमा मालिनी और सनी देओल के बीच में जितने भी मनमुटाव है वो सिर्फ महज एक दिखावा है।